हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर चुके थे एमपी करंट अफेयर्स के चैप्टर नंबर 5 की, कृषि एवं पशुपालन देख चुके थे 2019 के करंट अफेयर्स से जोड़कर 2019 तक। ठीक है, इसमें बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। वो आपको बता दें 2019 दिसंबर तक अपडेट करके आया हुआ है। ठीक, 2019 दिसंबर। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य खनिजों के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य 2141.27 करोड़ रुपए था, जो विगत वर्ष में कुल उत्पादन मूल्य का 1814.5 करोड़ रुपये से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। राज्य की अर्थव्यवस्था में उत्खनन क्षेत्र का योगदान वर्ष 2017-18 में 3.35% था, जो वर्ष 17-18 में 4.47% है। आगे बात करते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 8 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जा रहा है, जिनमें से हीरा, तांबा, मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। चूना पत्थर एवं रॉक फॉस्फेट उत्पादन में मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। बात करते हैं हम लोग मैग्नीज की। मैग्नीज उत्पादक एवं भंडार शीर्ष राज्य देखते हैं तो मध्य प्रदेश में उत्पादन सबसे ज़्यादा है, 32.10%। उसके बाद महाराष्ट्र 28.24%, उड़ीसा है 19.96% के साथ तीसरे स्थान पर, कर्नाटक है 11.38% के साथ चौथे स्थान पर। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा भंडारण में पहले स्थान पर है, कर्नाटक है उसके बाद, उड़ीसा है 44% भंडारण के आधार पर और कर्नाटक 22, मध्य प्रदेश में 12% है। ठीक है, तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में 7%। अब बात कर लेते हैं बॉक्साइड। मध्य प्रदेश में देश के कुल बॉक्साइड का चार प्रतिशत भंडार तथा 2.6% उत्पादन होता है। वर्ष 17-18 में राज्य बॉक्साइड भंडार उत्पादन में देश में छठवे स्थान पर रहा। कटनी, शहडोल, जबलपुर, सीधी, सतना, रीवा आदि में बॉक्साइड का उत्पादन किया जाता है। 2017-18 में उड़ीसा देश के बॉक्साइड के भंडार 51% उत्पादन में 51.30% के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। फिर बात करते हैं हम लोग लोह अयस्क। देश में हेमेटाइट लोह अयस्क के कुल 22,487 मिलियन टन निक्षेप पाए जाते हैं, जिसका अधिकांश भाग उड़ीसा 34%, झारखंड 23%, छत्तीसगढ़ 22% और कर्नाटक 11% पाया जाता है। मध्य प्रदेश में 1.646 हेमेटाइट के निक्षेप पाए जाते हैं। देश में मैग्नेटाइट लोहे अयस्क का कुल भंडार 10,789 मिलियन टन है, जिसका अधिकांश भाग कर्नाटक में 72%, आंध्र प्रदेश में 13%, राजस्थान में 6% में पाया जाता है। भारत में कुल लोह अयस्क का मध्य प्रदेश में 0.99% भंडार पाए जाते हैं, जबकि देश के कुल लोह अयस्क के उत्पादन में इसका योगदान मात्र 1.33% है। उड़ीसा भारत के कुल लोह अयस्क का 50.85% उत्पादन करता है। ठीक, आगे बात करते हैं।
17-18 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश 26.79 लाख टन लोहे एसिड का उत्पादन करता है। फिर उसके बाद है रॉक फॉस्फेट। फॉस्फेट मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में अग्रणी जिला छतरपुर है 51.48%, झाबुआ है 33.9%, सागर 14.60%। वर्ष 2014 में खरगोन जिले में रॉक फॉस्फेट के नए भंडार प्राप्त हुए। फिर है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस मध्य प्रदेश में झाबुआ, नरसिंहपुर, बालाघाट, सीहोर, सीधी, सीहोर, होशंगाबाद आदि जिलों में पाया जाता है। अब प्रमुख खनिज देख लेते हैं और उत्पादक जिले। ठीक, ये प्रमुख खनिज हैं, उत्पादक जिले तो सैलखड़ी, जबलपुर, भेड़ाघाट, जबलपुर में भेड़ाघाट, छिदवाड़ा, टेन, बैतूल, गोविंदपुर, वेनेडियम, बैतूल, प्लेटिनियम, प्लेटिनम, बैतूल, पैलेडियम, बैतूल, यूरेनियम, शहडोल, फेल्सफोर, छिदवाड़ा, जबलपुर, निकेल, सीधी, ग्रेनाइड, शिवपुरी, दतिया, गेरू, सतना, जबलपुर, ग्वालियर, पन्ना, ग्रेनाइड, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दतिया, बालाघाट, बैतूल, शिवपुरी, एंटीमनी, सूरमा, जबलपुर। आगे बात करते हैं, टंगस्टन ए होशंगाबाद आगरकला में, क्वार्ट्ज ए रीवा, बेराइट्स सीधी, टीकमगढ़, छतरपुर, धार, डायस्पर, फायरो, फ्लाइट ये छतरपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, सोना, सीधी, कटनी, बालाघाट, सीसा, शिवपुरी, दतिया, झाबुआ, जबलपुर, अभ्यग, बालाघाट, होशंगाबाद, छिदवाड़ा, झाबुआ। मध्य प्रदेश में कोयले का विस्तार राज्य के पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में पाया जाता है। ठीक है, पूर्वी कोयला क्षेत्र राज्य में सिंगरौली, सीधी, शहडोल, कुरार, सोहागपुर, जोहिला तथा उबरिया में कंचन आदि जिलों में कोयले का विस्तार है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र उमरिया है, जिसका क्षेत्रफल 15.5 वर्ग किलोमीटर है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल 2337 वर्ग किलोमीटर है तथा कुल भंडार 9207 मिलियन टन है। यहाँ विश्व में कोयले के दूसरी सबसे मोटी 136 मीटर परत पाई जाती है। इसके अतिरिक्त झिगुर दह परत मोटाई 10.2 मीटर तथा नौना गर परत मोटाई 12.1 मीटर मिलती है। उमरिया पाली बिरसिंहपुर के निकट जोहिला नदी घाटी में कोरार कोयला क्षेत्र स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 39 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र शहडोल जिले में स्थित सोहागपुर कोयला क्षेत्र है, याद रखना। अब बात करते हैं दक्षिणी कोयले क्षेत्र मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता सितंबर 2010 तक 17 तक विद्युत उत्पादन के स्रोत और उत्पादन मेगावाट में, याद रखिए मेगावाट में। ताप विद्युत ग्रह 4740 मेगावाट, जल विद्युत ग्रह 917 मेगावाट, संयुक्त उपक्रम जल परियोजना नर्मदा प्रोजेक्ट तथा अन्य जल 2426 मेगावाट, केंद्र विद्युत उत्पादन क्षेत्र DVC से प्राप्त 3678 मेगावाट, निजी क्षेत्र के ताप विद्युत ग्रह 3397 मेगावाट, पारंपरिक स्रोत 3502 मेगावाट, कुल स्थापित क्षमता है 18660 मेगावाट। आगे बात करते हैं ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा सौर ऊर्जा परियोजना। इंदौर में स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में प्रथम सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा है, याद रखना। इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा है। भारत में सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा संयंत्र भोपाल के सांची दुग्ध डेयरी में स्थापित किया गया।
भारत का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क है राजगढ़ जिले में। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित टेलीफोन एक्सचेंज है शिवपुरी जिले में। ठीक है, प्रदेश का प्रथम अभ्यक आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र होशंगाबाद के इटारसी में है। रीवा अल्टा मेगा सोलर पार्क की स्थापना राज्य की रीवा जिले की गुड़ तहसील में की गई। यह पार्क 250 मेगावाट की 3 यूनिट में विभाजित है, जिसकी कुल क्षमता है उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट। यह राज्य में की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है, जिसकी स्थापना विश्व बैंक की सहायता से की जा रही है। राज्य में दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मंदसौर जिले के सुवा सरा में NTPC की सहायता से लगाया गया, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 250 मेगावाट है। मार्च 2017 को कुर्नूल अल्टा मेगा सोलर पार्क की स्थापना आंध्र प्रदेश में की जा रही, जिसकी उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है यह। फिर बात करते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा 2017-18 के अंत तक पवन ऊर्जा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में 5वें स्थान पर है। राज्य की कुल पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2497.79 मेगावाट है। बायोमास मध्य प्रदेश में विद्युत संबंधी परियोजनाएं देख लेते हैं, योजनाएं। ठीक, इंदिरा गृह ज्योति योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 7 फरवरी 2019 को यह योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा BPL से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रति माह 100 रुपये की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पहली सौभाग्य बिजली कंपनी बनेगी। पश्चिम क्षेत्र में विद्युत वितरण कंपनी के अलीराजपुर बड़वानी जिले का एक एक घर अगले सप्ताह सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना में बिजली से रोशन हो जाएगा। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने विश्व का सबसे बड़ा 500 मेगावाट बिजली का पावर बैंक बनाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के रीवा स्थित गुड़ में निर्माणाधीन दुनिया के सबसे बड़े अल्ट्रा सोलर पावर प्रोजेक्ट की बिजली से दिल्ली मेट्रो को विद्युत आपूर्ति की जाएगी। प्रदेश में शासकीय कार्यालयों में सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए जून 2019 में पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन इपको भवन में 50 किलो वाट क्षमता के सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने 28 जून 2019 में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में 650 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र का शिलान्यास करते हुए यह घोषणा की कि मध्य प्रदेश सरकार सोलर पंप के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले राष्ट्र को विनोबा भावे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देगी। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने 3 मार्च 2019 को खंडवा जिले के ग्राम दोगलिया में श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की द्वितीय चरण की सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयों का लोकार्पण किया है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का वांचा गांव भारत का प्रथम सौर रसोई गांव तथा प्रत्येक घर में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने वाला पहला गांव बन गया। कौन सा है? बैतूल जिले का वांचा गांव। आकर साजापुर और नीमच में बनेंगे 1500 मेगावाट के सोलर पार्क। मध्य प्रदेश शासन द्वारा देश में रीवा सौर परियोजना को मॉडल रूप में स्थापित करने के बाद साजापुर आगर नीमच में भी सोलर पार्क और परियोजनाएं लागू हो गई। 28 जून 2019 को केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोरी भोपाल में मेगावाट
क्षमता का सौर संयंत्र स्थापित की जाने वाली परियोजना का शिलान्यास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संजय गांधी पर्यावरण मिशन प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत 5 करोड़ पौधा रोपण किया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा छठा लेक्चर, छठवा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। अगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग उद्योग से संबंधित। ठीक है।